अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ए टू जेड ऑन पेज नंबर 2। लेट्स सी इफ यू रिमेम्बर सम ऑफ द वर्ड्स वी लर्न इन क्लास 4। प्यारे बच्चों, हमने इसमें से बहुत सारे अल्फाज चौथी जमात में सीख चुके हैं। लुक एट द पिक्चर, तस्वीर को देखिए। We will first name the animal in the picture. सबसे पहले हम तस्वीर में नजर आने वाले एनिमल्स के नाम देखेंगे। A cow, cow यानी गाय। A dog, dog यानी कुत्ता। An elephant, प्यारे बच्चों यहाँ हमने एन एलिफेंट बोले। एन इसलिए बोले क्योंकि एलिफेंट जो है वो ई से शुरू होता है। ई से यानी कि वॉवेल से शुरू होता है। जब कभी कोई वर्ड्स वॉवेल से शुरू होता है उससे पहले हम एन लगाते, इसीलिए हमने एन एलिफेंट बोले। अ हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा। शिप, प्यारे बच्चों शिप का जो प्लूरल फॉर्म है, जो जमा होती है, वो अंग्रेज़ी में शिप ही होती है। यू डोंट से शिप्स, आप वहाँ पे एस ई एस नहीं लगाएंगे या ना, और ना ही टू शिप बोलेंगे। शिप की जमा क्या होती है? शिप। इवन देन मोर अ वन थिंग, यू ओनली से शिप, यू डोंट से शिप शिपेस। अ कैट, कैट यानी बिल्ली। अ माउस, माउस यानि चूहा। माउस की जमा होती है माइस। अ रैबिट, रैबिट यानि खरगोश। अ मंकी, मंकी यानि बंदर। अ फ्रॉग, फ्रॉग यानि मेंढक। अ स्क्वायरल, स्क्वायरल यानि गिलहरी। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द एनिमल्स इन द पिक्चर। तस्वीर में नजर आने वाले जानवरों की आपको फहरिस्त तैयार करना है। राइट दिस वर्ड इन योर नोटबुक, और ये अल्फाज आपको कॉपी में लिखना है। अल्लाह हाफिज।